हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फिट ऑफ फिजिकल एजुकेशन चैनल। दोस्तों, आज के सेशन में वर्ली 26 क्वेश्चंस है। 2600 क्वेश्चंस आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जैसा कि बीपीएससी TRE 3 का जो एग्ज़ाम है वह जुलाई के फर्स्ट वीक में होगा या 15-16 जुलाई तक हो जाएगा, ऐसा सुनने में आ रहा है। दोस्तों, आप अपना तैयारी बनाए रखिए। और TRE 4 जो है वो भी कंडक्ट होगा एंड अब यूपी में भी वैकेंसीज आएंगी और आप तैयारी में लगे रहिए, कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन जरूर हो जाएगा। एंड दोस्तों, फिजिकल एजुकेशन के किसी भी कंपटीशन एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मेरे चैनल पे सभी प्रकार के वीडियोज अवेलेबल हैं। आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, सभी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। तो दोस्तों, चलते हैं आज के क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन है, ओलंपिक आदर्श वाक में सीटीएस पद इंगित करता है। इस क्वेश्चन को सुनते ही आपने आंसर टिक कर दिया होगा, क्योंकि यह क्वेश्चन जो है बार बार रिपीट हुआ है और आता भी है, हर बार आ ही जाता है। तो ओलंपिक आदर्श वाक में दोस्तों पहले सीटीएस, आरटीएस, फोर्टीएस था, अब एक और शब्द जुड़ गया है, कम्यूनिटर। अब हम बोलते हैं सीटीएस, आरटीएस, फोर्टीएस, कम्यूनिटर, यानी कि फास्टर, हायर, स्ट्रांगर, टुगेदर। इसका अर्थ होगा और तेज और ऊंचा और बलशाली एक साथ। तो यहाँ पे सीटीएस का अर्थ हो जाएगा सबसे तेज, यानी कि फास्टर। नेक्स्ट है, ओलंपिक खेलों में भारतीय टीमों की भागीदारी को नियंत्रित करने वाला निकाय कौन सा है। तो आप सबको पता है सभी देशों में एक अपना ओलंपिक, राष्ट्रीय ओलंपिक संघ होता है। जैसे भारत में IOA है, यानी इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, भारतीय ओलंपिक संघ, जिसकी स्थापना 1927 में सर दोराबजी टाटा के द्वारा हुआ था। नेक्स्ट है, प्रथम आधुनिक खेल यानी कि आधुनिक ओलंपिक खेल किस वर्ष आयोजित किए गए थे। जैसा कि आप जानते हैं कि IOC की स्थापना 1894 में 23 जून 1894 को पेरिस के सर्बोन नामक स्थान पर पियर डी कोवर्टिन ने किया था, आधुनिक ओलंपिक को शुरुआत करने के लिए। उसके बाद इन्होंने 1896 में प्रथम आधुनिक ओलंपिक खेल यूरोप के एथेंस नामक स्थान पर, एथेंस में पैनाथोनिक स्टेडियम में शुरू किया। यहाँ पे 1896 आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, किस नगर या राज्य ने शारीरिक शिक्षा के द्वारा योद्धाओं के प्रशिक्षण पर बल दिया। तो आपको पता है दोस्तों, आप शारीरिक शिक्षा के इतिहास में मैंने अच्छे से बताया हुआ है, वो है स्पार्टा। स्पार्टा में जो है जो भी कमजोर अपंग बच्चा पैदा होता था उसको टाइगर्स पर्वत से नीचे फेंकवा दिया जाता था। नेक्स्ट है, स्पार्टा की शिक्षा का उद्देश्य क्या पैदा करना था। तो वहाँ पे स्पार्टा में क्या था कि वहाँ पे अच्छे सैनिकों यानी कि योद्धाओं को तैयार करना ही उसका उद्देश्य था, इसीलिए कमजोर अपंग बच्चों को फेंकवा दिया जाता था। नेक्स्ट है, उस स्टेडियम का क्या नाम है जहाँ प्रथम आधुनिक ओलंपिक खेल आयोजित किए गए थे। तो प्रथम आधुनिक ओलंपिक खेल 1896 में एथेंस के पैनाथेनिक स्टेडियम में आयोजित किए गए थे। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क। नेक्स्ट दोस्तों, पेशी तंतु यानी मसल्स फाइबर जो होते हैं एक पतली झिल्ली से आच्छादित होता है, उसका क्या नाम है। तो दोस्तों उसको कहते हैं सार्कोलेमा। क्या कहते हैं? सार्कोलेमा। जैसे कि मैंने आपको माइक्रोस्पेसिफिक स्ट्रक्चर ऑफ मसल्स, स्केलेटल मसल्स की जो स्ट्रक्चर होती है उसके में उस वीडियो में अच्छे से बताया हुआ है कि जो हमारा संपूर्ण मांसपेशी होता है उसको चारों तरफ से घेरा रहता है एपिमाइसियम, जिसे फेसिया कहते हैं, और जो उसके अंदर मसल्स फाइबर के बंडल होते हैं, समूह होते हैं, जिसे फासिक्यूलर्स बोलते हैं, उसको घेरे रहता है पेरीमाइसियम, और एक मांसपेशी तंतु को घेरे रहता है एंडोमाइसियम। और वो मांसपेशी फाइबर जो तंतु होती है एक झिल्ली से आच्छादित होता है, जिसको सार्कोलेमा कहते हैं, और मांसपेशी तंतु के अंदर जो द्रव भरा रहता है वो सार्कोप्लाज्म बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शक्ति में वृद्धि किसके सशक्तिकरण में से होती है? तो दोस्तों, शक्ति में वृद्धि किसके सशक्तिकरण से होती है? तो यहां पे राइट आंसर हो जाएगा सार्कोलेमा के। दोस्तों यहाँ पे आपको कंफ्यूजन हो रहा है इस क्वेश्चंस को, जैसे कि मायोग्लोबिन जो है मसल्स में ही पाया जाता है, वो मायोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन को बांधे रखता है। तो यहाँ पे बोला है कि शक्ति में वृद्धि किसके सशक्तिकरण से होता है? तो जैसे कि हम जानते हैं कि मसल्स में एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट होता है, जिसमें एक्टिन में दो प्रोटीन होते हैं, ट्रोपोनिन, ट्रोपोमायोसिन, और जो एक्टिन होता है उसके दोनों तरफ एक लाइन सी होती है जिसे जेड लाइन कहते हैं, और दोनों के बीच में, जेड लाइन के बीच में एक्टिन और मायोसिन होता है, और एक्टिन को जो है मायोसिन पर फिसलने से मसल्स जो है कॉन्ट्रैक्ट होती है। तो मेरे को लगता है ये सार्कोलेमा है, ए राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट है किसी पेशी के आकार में वृद्धि किसमें वृद्धि का परिणाम है? तो ये भी दोस्तों आपका राइट आंसर है सार्कोमियर होगा। सार्कोमियर क्या होता है कि दोनों जेड लाइन के बीच जो एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट होती है, एक्टिन फिलामेंट के मायोसिन फिलामेंट पर फिसलने पर मसल्स जो है वो कंट्रैक्ट होती है, और दोनों के बीच के स्थान को जो जेड लाइन क्रॉस करती है, तो दोनों के बीच में एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट होता है, उसी को सार्कोमियर कहते हैं, जो मांसपेशियों की संकुचन की इकाई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी रक्त कणिका यानी ब्लड सेल्स जो होती हैं बैक्टीरियल स्क्वेंजर्स यानी कि जो जीवाणु की अपमार्जक रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है उससे कही जाती है? तो बैक्टीरियल स्क्वेंजर्स किस रक्त कणिका को कहते हैं? तो आप सबको पता है दोस्तों, उसे कहा जाता है WBC यानी कि वाइट ब्लड सेल्स यानी श्वेत रक्त कणिकाएँ। जो श्वेत रक्त कणिकाएँ होती हैं दोस्तों, श्वेत रक्त कणिकाएं में जो टी लिम्फोसाइट होती है वो बैक्टीरिया को मारने का काम करती है, और जो मोनोसाइट होता है बैक्टीरिया को खाने का काम करती है। अगर इसके बारे में डिटेल में जानना है तो आप ब्लड वाले वीडियो जो एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के प्लेलिस्ट में जाइए, आप ब्लड वाले वीडियो में जाइए, एक एक चीज़ आपको डिटेल में बताया गया है। नेक्स्ट दोस्तों, कौन सी रक्त कणिकाएं लसिका ग्रंथियों में बनती है? जैसे कि आप सबको पता है कि जो रक्त का निर्माण होता है, हमारी जो लंबी अस्थियां होती है उसमें जो खोखला भाग होता है जिसे हैवर्सियन नाल करते हैं, उसी में बोन मैरो पाया जाता है। स्टेम कोशिका में, बोन मैरो के स्टेम कोशिका में रक्त का निर्माण होता है, लेकिन जो WBC का होता है वो लसिका ग्रंथियों में भी इसका निर्माण होता है। नेक्स्ट है प्रति मिनट सांस ली गई वायु का आयतन यानी वॉल्यूम कितना होता है? तो दोस्तों प्रति मिनट में कम से कम 5 लीटर हम वायु ग्रहण करते हैं। याद रखिएगा सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है प्रति मिनट सांस ली गई वायु के आयतन को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों प्रति मिनट जो सांस ली गई वायु का आयतन होता है उसे मिनट आयतन या मिनट वॉल्यूम कहते हैं। नेक्स्ट है वायु का वह आयतन जो साधारण स्थिर श्वासोच्छ्वास में फेफड़ों में जाता है क्या कहलाता है? तो मैं ये भी क्वेश्चन बार बार रिपीट हो चुका है दोस्तों। साधारण अवस्था में, नॉर्मल में, जो आप सांस अंदर ले रहे हैं बाहर छोड़ रहे हैं उसको टाइडल वॉल्यूम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टाइडल वॉल्यूम। ठीक है, एंड जिसको 500 ml होता है। एंड एक होता है कॉम्प्लीमेंट्री एयर, जो सामान्य श्वास के बाद पूरी शक्ति के श्वास को अंदर लिया जाता है फेफड़ों में, कॉम्प्लीमेंट्री एयर कहते हैं, जो 3000 ml होता है। एक होता है सप्लीमेंट्री एयर, अब गहरी श्वास द्वारा वायु को बाहर निकालना, एक्सपायरेशन करना, वो होता है आपका सप्लीमेंट्री एयर जो 1100 ml होता है। एंड एक होता है वाइटल कैपेसिटी। इन तीनों को टाइडल वॉल्यूम, कॉम्प्लीमेंट्री एयर, सप्लीमेंट्री एयर, तीनों को मिला करके वाइटल कैपेसिटी बनता है। वाटर कैपेसिटी क्या होता है कि अधिकतम जोर से सांस अंदर लेना और जोर से बाहर निकालना, यही वाइटल कैपेसिटी होता है। यानी कि अधिकतम अंतः श्वसन के बाद हवा में की सबसे बड़ी मात्रा जो श्वास द्वारा छोड़ी जा सकती है। तो वाइटल कैपेसिटी ज्ञात करने का सूत्र होता है टाइडल वैल्यूम प्लस कॉम्प्लीमेंट्री एयर प्लस सप्लीमेंट्री एयर। जो टाइडल वैल्यूम 500 ml, कॉम्प्लीमेंट्री एयर 3000 ml एंड सप्लीमेंट्री एयर 1100 ml, यानी कुल 4600 ml आपका वाटर कैपेसिटी हो जाता है। इन सभी प्रक्रियाओं के बाद श्वास अंदर लेने बाहर छोड़ने के बाद भी कुछ वायु हमारे फेफड़ों में बची रह जाती है, उसी को रेसिडुअल एयर यानी कि अवशिष्ट वायु कहते हैं, जिसका जो 1200 ml लगभग होता है। इस प्रकार वाटर कैपेसिटी हमारा कितना था 4600 ml। अब एक होता है टोटल लंग कैपेसिटी, फेफड़ों की कुल क्षमता। तो फेफड़ों की कुल क्षमता कितनी होती है, तो फेफड़ों की कुल क्षमता टोटल लंग कैपेसिटी ज्ञात करने का सूत्र होता है वाइटल कैपेसिटी प्लस रेसिडुअल वॉल्यूम। वाइटल कैपेसिटी हमारा 4600 ml आया था और रेसिडुअल वॉल्यूम जो है 1200 ml, दोनों को आप जोड़ेंगे तो 5800 ml यानी 5.8 लीटर होगा। इसी प्रकार आप एक मिनट में कितना हवा लेते हैं, 5 लीटर के लगभग, ठीक है। नेक्स्ट है एक अंतः श्वसन यानी इंस्पायरेशन में कितनी अवधि लगता है। तो दोस्तों सांस अंदर लेने में करीब 2 सेकेंड का समय लगता है, बाहर छोड़ने में 3 सेकेंड का। इस प्रकार एक बार सांस लेने में कुल 5 सेकेंड का समय लगता है। अब 5 को 60 से गुणा कर दीजिए, एक मिनट में कितने सेकेंड होते हैं 60 सेकेंड। 60 में 5 का 12 पंचे 60 यानी कि कुल 12 से 18 या 20 बार, यही होता है। एक मिनट में कितनी बार सांस लिया जा सकता है, 12 से 18। नेक्स्ट है कोहनी से कलाई तक की मुख्य अस्थियां कौन सी है। यहाँ पे ह्यूमरस हमारे बांह की हड्डियां है, ठीक है, एक गलत हो जाएगा। फीमर हमारे जांघ की हड्डी है, जो हमारे शरीर की सबसे बड़ी लंबी और भारी अस्थि है। टिबिया हमारे पैर की हड्डी है, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, कोहनी से कलाई तक की मुख्य अस्थियां कौन है, रेडियस एंड अल्ना। नेक्स्ट है सेट कमांड में स्प्रिंटर किस स्थिति में होता है। तो दोस्तों जैसे कि दौड़ों को स्टार्ट करने में जो स्प्रिंट स्टार्ट होती है 100, 200, 400 मीटर रिले रेस, इसमें स्प्रिंट स्टार्ट जैसे कि क्राउच स्टार्ट लिया जाता है। इसमें 3 कमांड दिए जाते हैं, ऑन योर मार्क सेट एंड गन फायर। तो जो सेट कमांड होता है उसमें जो बॉडी वेट होता है शोल्डर पर, वह हाथों पर हो जाता है और बैलेंस जो है अस्थिर यानी कि गतिशील होता है। जहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा अस्थिर साम्यावस्था, ठीक है, अस्थिर साम्यावस्था, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। और जो आपका लंबी रेस होती है उसमें 2 ही कमांड दिए जाते हैं, ऑन योर मार्क्स एंड गन फायर। नेक्स्ट है एक खिलाड़ी किस 4 से 10 सेकेंड में 100 मीटर दौड़ेगा। वेरी इजी क्वेश्चन, ठीक है। 10 मीटर प्रति सेकेंड दौड़ेगा, 10 दहाई में 100, ठीक है। नेक्स्ट है दौड़ के अंत के निकट धावक पर असर डालने वाला बल क्या है। जैसे कि आप बॉल को ही फेंकने के बाद वो कहीं ना कहीं जाके रुक जाता है, क्यों रुकता है, वाह्य बल के कारण। वाह्य बल में क्या क्या होते हैं, जैसे कि आपका वेट हो गया, फ्रिक्शन यानी घर्षण हो गया, वायु प्रतिरोध यानी एयर रेसिस्टेंस हो गया एंड गुरुत्वाकर्षण बल, ये सभी के कारण। उसी तरह हम जब दौड़ते हैं तो दौड़ने के अंत में जो होता है, अंत के निकट धावक पर असर डालने वाले बल होते हैं, आपका वेट होता है, फ्रिक्शन यानी घर्षण होता है, वायु प्रतिरोध यानी एयर रेसिस्टेंस, ये सभी असर डालते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन संधि का प्रारूप नहीं है। जैसे कि संधि जो है 3 प्रकार की होती है, चल, अचल और अर्धचल। तो यहाँ पे जो है फाइबर्स जो है वो अचल संधि को कहा जाता है एंड कार्टिलेजियस अर्धचल संधि को कहा जाता है, साइनोवियल जो है चल संधि को बोला जाता है। इस प्रकार ऑसिफाइड जो है कोई संधि नहीं है। तो इस प्रकार क्वेश्चन पूछा जाएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है संधियों का अध्ययन कहलाता है। तो जोड़ों का अध्ययन, संधियों का अध्ययन क्या कहलाता है दोस्तों? ऑर्थोलॉजी, आपको पता है। हड्डियों का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी, मांसपेशियों का अध्ययन मायोलॉजी। नेक्स्ट है दोस्तों स्वच्छंद रूप से चलायमान संधि, यानी कि जो चल संधि है, एक अन्य नाम यह भी है। जैसे कि मैंने आपको एक चीज ट्रिक बताया हुआ था, डी क्या ट्रिक बताया हुआ था मैंने दोस्तों आप सबको, DAS, दास, यानी कि चल, अर्ध चल, अचल। डी से हो जाएगा डायर्थ्रोसिस, जो चल संधि को बोलते हैं। ए से एम्फियार्थ्रोसिस, जो अर्धचल संधि को बोलते हैं। एस से साइनोथ्रोसिस, जो अचल संधि को बोलते हैं। तो दोस्तों साइनोथ्रोसिस अचल संधि को बोलते हैं, लेकिन साइनोवियल ज्वाइंट होगा तब वो आपका चल संधि हो जाएगा, याद रखिएगा। तो डायर्थ्रोसिस चल संधि, एम्फियार्थ्रोसिस अर्धचल संधि और साइनोथ्रोसिस अचल संधि। तो यहाँ पे कौन स्वतंत्र रूप से चलायमान संधि का एक अन्य नाम भी है, तो चल संधि के बाद बोला है, तो यहाँ पे डायर्थ्रोसिस आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों स्ट्रेस यानी दबाव है। जो हमारा चिंता है, दबाव है, वो हमारे लिए हानिकारक भी होता है दोस्तों और लाभकारक भी, वो मीडियम में होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, स्थिति के अनुसार लाभकार और हानिकारक दोनों हो सकता है। नेक्स्ट दोस्तों मास्लो ने आवश्यकताओं को क्रम परंपरा में निचले स्थान पर किसको रखा है? तो उन्होंने सबसे पहले रखा निचले स्थान पर शारीरिक संबंधी आवश्यकता को, उसके बाद सम्मान, उसके बाद सुरक्षा की भावना, फिर सर्व सम्मान के स्वामित्व संबंधी, फिर आत्मसिद्धि। लास्ट में इनका क्रम परंपरा होता है। उच्च शिखर पर वो आत्मसिद्धि को रखते हैं और सबसे निचले स्तर पर शारीरिक संबंधी आवश्यकता को। वहीं पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, मास्लो की आवश्यकताओं की क्रमबद्धता के शिखर पर कौन सी आवश्यकता को रखता है? दोस्तों सबसे निचले स्तर पर शारीरिक संबंधी आवश्यकता को रखते हैं मास्लो, और सबसे शिखर पर उच्च स्तर पर रखते हैं आत्मसिद्धि को। तो दोस्तों ये था आज के सेशन में 25 MCQ क्वेश्चंस। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। जो भी डाउट होगा कमेंट में ज़रूर बताइए, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर भी कीजिए, एंड डेली बेसिस पे इसी तरह मेरे साथ प्रैक्टिस करते रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो प्रैक्टिस में, तब तक के लिए जय हिंद।